इस वक्त की बड़ी खबर सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां महाराजगंज में एक कोचिंग शिक्षक को एक छात्रा से आई लव यू बोलना व उसके साथ छेड़खानी करना काफी महंगा पड़ गया। छात्रा की शिकायत पर कुछ लोगों ने पहले कोचिंग से पढ़ाकर घर लौट रहे मास्टर साहब को बीच रास्ते में रोका। मास्टर साहब के रोकते ही वहां मौजूद लोगों ने पहले मास्टर साहब की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने मास्टर साहब को मुर्गा बनाकर उनसे सौ उठक बैठक लगवाई, जिसके बाद मास्टर साहब के सिर से इसका भूत उतर गया। बता दें कि अक्सर टीचर क्लासरूम में शरारत करने वाले बच्चों को मुर्गा बनाते हैं, लेकिन सिवान जिले के महाराजगंज में एक शरारती हुआ, इस बाद मास्टर साहब को लोगों ने बीच सड़क पर मुर्गा बना दिया। इतना ही नहीं, उन्हें कान पकड़कर उनसे सौ उठक बैठक भी लगवाई। आपको बता दें कि महाराजगंज से एक शिक्षक का कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोचिंग पढ़ाने वाला यह शिक्षक छात्राओं से छेड़छाड़ करते रहता है। वही एक लड़की को उसने प्रपोज करते हुए आई लव यू बोल दिया। इसके बाद लड़की ने अपने परिवार से शिकायत की, तभी बाइक से जाते लोगों ने बीच रास्ते में पहले शिक्षक को रोका, फिर उनकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने शिक्षक को मुर्गा बनाया और फिर उनसे सौ उठक बैठक भी लगवाई। वही इस दौरान वह शिक्षक लोगों से छोड़ने की गुहार लगाता रहा। बता दें कि यह वीडियो महाराजगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कोचिंग में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी करने के आरोप में एक शिक्षक को कुछ लोगों ने मुर्गा बना दिया, साथ ही बीच सड़क पर उनसे उठक बैठक भी लगवाई। वह शिक्षक की पहचान आपको बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के गौर गांव निवासी रामलाल महतो का 28 वर्षीय पुत्र सतेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। दरअसल सतेंद्र प्रसाद महाराजगंज शहर मुख्यालय में कई जगहों पर इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को कोचिंग पढ़ाता है। वही हाल में ही कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा पर उसका दिल आ गया था, जिसके बाद इस बात शिक्षक ने पहले अपनी कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा को आई लव यू बोलते हुए अपने प्यार का इजहार कर दिया। तभी छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो शिक्षक ने जबरन उसके साथ छेड़खानी की। इसके बाद यह मामला पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गया। बता दें कि जब शिक्षक कोचिंग पढ़ाकर अपनी बाइक से लौट रहा था तो लोगों की भीड़ ने छात्रा से छेड़खानी के आरोप में शहर मुख्यालय की एक जगह पर पकड़ लिया और शिक्षक को घेर कर भी सड़क पर मुर्गा बनाकर उनसे सौ उठक बैठक करवाया, जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक को मुर्गा बनाकर उनसे उठक बैठक कराया जा रहा है। वही वीडियो में आप यह भी देख सकते हैं कि कैसे आरोपी शिक्षक रोता हुआ रहम की भीख मांगते हुए दिखाई दे पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आज से कुछ माह पहले भी शिक्षक पर एक छात्रा के साथ महाराजगंज शहर मुख्यालय के बंगरा के समीप छेड़खानी का आरोप लगा था। वही आज एक बार फिर इस बात शिक्षक ने वही हरकत की, जिसकी वजह से आज उसकी जमकर पिटाई हुई और साथ ही उसने सौ उठक बैठक भी लगाई। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो के मामले में महाराजगंज थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार ने बताया कि वीडियो वायरल की जानकारी मुझे अब प्राप्त हुई है, वही अभी शिकायत नहीं मिली है, अपने स्तर से इस मामले की जांच की जा रही है।